स्वागत है आपका देश की बात में। उत्तर प्रदेश के हसनपुर में एक अधेड़ का शव आम के पेड़ पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जीवन नाम है इसका, पूरन का लड़का है। गरीबी हालत में था, पूर्व प्रधान जी कहाँ काम करता था, जो खेती बाड़ी का। शाम को घर आया, घर आने के बाद में आराम से रहा वो। उसके बाद में घर से फरार हो गया और धर्मवीर के बाग में बिनौरा जाकर हम जो फांसी लगा ले, सुबह को देखा तो लटका में। क्या कारण होगा इसका मरने का? कारण क्या, गरीब आदमी है, मजदूर, अपना खेती वेती में धान लगा रखे हैं, नुकसान हुआ होगा, टेंशन में अपना जो कर लिया। ये रामजीवल सनम पूरन सिंह जाटव, ग्राम बड़ी दमगड़ी में, कल रात को इसने पेड़ पर लटक कर अपनी आत्महत्या कर ली। आज इसके भाई ने तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं इसका। तहरीर में उसने बताया है कि ये इसकी बेटी ख़त्म हो गई थी, बेटी के दम में ये गुमसुम हो गया था और मानसिक रूप से मानसिक अवसाद में था, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के हसनपुर में स्वच्छता अभियान के तहत नगर में गंदगी ना हो, इसके लिए शासन से स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर में चलित शौचालय मंगवा लिए हैं, जिसका आज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पति शादाब टाटा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बताते चले कि नगर पालिका परिषद हसनपुर क्षेत्र के अंदर चलित शौचालय की मांग काफी दिनों से चली आ रही थी, क्योंकि रामलीला हो या फिर कोई अन्य आयोजन, चलित शौचालय का अभाव होने के कारण ऐसे कार्यक्रमों में नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते आज नगर पालिका परिषद ने लोगों की इस मांग को पूरा कर दिया है। तो भी इसमें यह है कि ये बायो टॉयलेट है, इसमें जो भी वेस्टेज जाएगा वो दो घंटे के अंदर जो है उसको, जो इसमें बैक्टीरिया है वो उसको पानी में तब्दील कर देंगे, तो इससे कहीं ना तो बदबू फैलेगी और ना कहीं पर उससे गंदगी होगी। दूसरी चीज़, इसमें सोलर लगा हुआ है तो इसमें कहीं लाइट की भी कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी है, 500 लीटर का इसमें टैंक रखा हुआ है। ये इस मौक़ों के लिए मंगाई गई है नगर पालिका में, हमारे थी नहीं कि जैसे अभी रामलीला होगी हमारे यहाँ, तो उस रामलीला के मौके पर वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, महिलाएँ भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं बाहर के, तो आसपास में ना कि टॉयलेट ना होने के वजह से चारों तरफ गंदगी होती है, आदमी इधर उधर जाता है, तो उसकी वजह से जो है हमने ये टॉयलेट मंगवाई है। कितने बजे? ये वैसे तो इसका जो टेंडर था वो 12,10,000 रुपये के लगभग था, लेकिन हमें ये बिलो पे जो है 4,90,000 में हमारी नगर पालिका को प्राप्त हुई है, क्योंकि जो भी कम से कम जिसने टेंडर डाला उसको हमने जो है टेंडर स्वीकार करके और उसको टेंडर दे के 4,90,000 रुपये।